तो मैंने तो जब पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि बच्चे आप जैसे बने, तो माँ बाप नहीं हाथ उठाते। हाँ सही है। फिर किसका बने? वही बने जो फिर बन रहे हैं। फिर आपको क्यों शिकायत है कि ऐसे क्यों बन रहे हैं? तो वो जो माँ बाप ये समझ रहे हैं कि हम कुछ दुनिया में ले आए हैं, ये आ गए हैं। अक्सर इस तरह की बातें मैं सुनता हूँ, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया। मैंने कभी इनकार किया कि अल्लाह ने रिस्क का वादा नहीं किया? अल्लाह ने तो चिड़िया का भी वादा किया, पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिस्क देने का वादा किया हुआ। लेकिन उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, उसकी जिंदगी इस दुनिया में कैसे कारामद होगी, वो आखिरत में कैसे सुरखरू होगा, इसका वादा किया क्या उसने? उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसकी सेहत, उसका इखलाक, उसका रिज्म और उस जिंदगी के अंदर उसकी अब्दियत की जिंदगी गुजारना, इसका तो कोई वादा नहीं किया उसने। तो वैसे तो मतलब जानवर भी चीर फाड़ के पेट भर लेता है, तो आप इसलिए तो नहीं लाए होंगे दुनिया में उसको। हमें निकलना होगा और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि हम इन बच्चों को किस लिए तैयार कर रहे हैं। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है?